के लिए तड़पने लगे। सेक्स क्रिया को लंबे समय तक खींचने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सेक्स के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। आज कई प्रकार के वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात हो चुका है कि लगभग 85% पुरुषों का वीर्यपात सेक्स क्रिया के दौरान 2 मिनट में ही हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी पुरुषों का पता चला है कि वे 10 सेकंड 20 सेकंड में ही और कुछ योनि में लिंग को प्रवेश करने के बाद ही स्खलित हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो योनि में लिंग को प्रवेश कराने से पहले ही आलिंगन चुंबन के समय ही स्खलित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को सेक्स क्रिया का भरपूर आनंद नहीं दे पाते। इस स्थिति में ऐसे पुरुष वैद्य हकीमों के चक्करों में पड़कर अपने धन तथा स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देते हैं। आज हम जो नुस्खे बताए गए उनसे आप अपनी संभोग शक्ति को फिर से जिंदा कर लोगे और आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से संभोग का आनंद देगे और आपकी पार्टनर आपको ही असली मर्द समझेगी। वो समझेगी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है। सेक्स क्रिया करने से पहले स्त्री को पूरी तरह से उत्तेजित करना चाहिए। जब स्त्री पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए तब उसके साथ संभोग करना चाहिए और कुछ देर तक अपने लिंग को स्त्री की योनि में डालकर झटके लगाएं तथा इसके बाद कुछ देर के लिए हट जाएं। इसके बाद फिर से स्त्री की योनि के मुख को खोलें और दोबारा झटके लगाकर घर्षण करें। इस प्रकार से 2 से 3 बार सेक्स क्रिया करें। इससे स्त्री पुरुष दोनों को भरपूर आनंद मिलेगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से आनंद लेते लेते एक समय ऐसा आएगा जब आप स्खलित हो जाएंगे और आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। इस तरह से सेक्स क्रिया करने से स्त्री कई बार चरम सुख प्राप्त करती है और लंबे समय तक सेक्स क्रिया भी चलती है। सेक्स क्रिया करते समय पुरुष को चाहिए कि स्त्री की योनि में लिंग प्रवेश करके झटके लगाने में जल्दबाजी न करें क्योंकि इससे जल्दी ही स्खलन हो जाता है। अतः स्ट्रोक धीरे धीरे लगाएं। ऐसा करने से सेक्स क्रिया लंबे समय तक चलती है। झटके लगा कर घर्षण करते समय अपने मन में झटके की गिनती करते जाएं और जब स्खलन होने लगे तब झटके लगाना बंद कर दें। फिर अपनी आंखों को बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके कुछ देर बाद झटके लगा कर घर्षण करना शुरू कर दें और गिनती गिनते जाएं। सेक्स क्रिया करते समय स्खलन होने से पहले ही लिंग को योनि से बाहर निकाल दें और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। इसके कुछ देर बाद फिर से सेक्स क्रिया करने लगे। इस प्रकार से सेक्स क्रिया करते समय बीच में ही स्खलित होने की स्थिति बन जाए तो जबरदस्ती अपने वीर्य को रोके नहीं क्योंकि इससे शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होती है। इस स्थिति में संभोग करते समय स्खलित होने के कुछ देर बाद अपने को फिर से सेक्स क्रिया के लिए तैयार करें। सेक्स क्रिया करते समय जब वीर्य स्खलन होने की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो स्ट्रोक लगाकर घर्षण करने का काम बंद कर दें और तुरंत अपनी जननेंद्रियों को पेट के अंदर की तरफ खींचे। इस स्थिति में जननेंद्रियों को तब तक खींचे रखें जब तक वीर्य स्खलन की स्थिति खत्म न हो जाए। इसके कुछ समय बाद झटके लगाना शुरू कर दें। इस प्रकार से क्रिया करने से सेक्स क्रिया का समय देर तक बना रहता है। इस तरीके से संभोग करने की कला को योनि मुद्रा कहते हैं। सेक्स क्रिया करते समय यदि वीर्य स्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको रोकने के लिए अपने फेफड़े की भारी हुई वायु को जोर से बाहर की ओर फेंके। ऐसा करने से वीर्य स्खलन को रोकने में लाभदायक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे स्खलन की अनुभूति भी गायब हो जाती है। इसके बाद दोबारा से सेक्स क्रिया करना शुरू करें। इस प्रकार से सेक्स क्रिया के दौरान कई बार दोहरा भी सकते हैं। इस तरीके से सेक्स क्रिया करने से संभोग कला का समय बढ़ जाता है। इस